हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद मुस्कान पे। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। हमारा टेलीग्राम चैनल है लर्न विद मुस्कान। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए और हमें इतना सपोर्ट और प्यार देने के लिए। माई नेम इज मुस्कान साहू। आई हैव क्वालिफाइड JRF इन 2020 विथ 99.73% इन कॉमर्स एंड आई हैव कम्प्लीटेड माई MCOM इन 2020। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, लास्ट वीडियो में मैं लीडरशिप के सैलन थ्योरीज पे बात कर रही थी, जिसमें से अभी सिचुएशनल थ्योरी रह गई थी, तो मैं आज वो डिस्कस करूँगी। तो पहले मैं रिवाइज करा देती हूँ कि लास्ट वाली वीडियो में क्या पढ़ाई हूँ, लीडरशिप क्या है, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट में डिफरेंस, लीडरशिप की क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, लीडरशिप के स्टाइल, कोर्ट लेवल का लीडरशिप स्टाइल, मैनेजरियल ग्रेड, इसको मैंने याद करने के ट्रिक भी बताई थी आपको। अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो तो जल्दी से जाइए और देख लीजिए। लंबी वीडियो है तो लंबी है, जाहिर सी बातें समझाने में टाइम लगता है, तो 2x पे करके देखिए, स्पीड बढ़ा के देखिए। ग्रेट थ्योरी, ग्रेट मैन थ्योरी, बिहेवियरल थ्योरी में दो था, मिशिगन और ओयो स्टेट। मिशिगन में प्रोडक्ट सेंटर्ड लीडरशिप, एम्प्लॉय सेंटर्ड, देन ओयो स्टेट यूनिवर्सिटी, ये सब समझाए थे, ये ग्राफ समझाए थे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं सिचुएशनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप। क्या है सिचुएशनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप? जैसे कि ट्रेड थ्योरी में बोली थी मैं, ट्रेड थ्योरी में बताए थे क्या कि ये किसकी बात करता है, ट्रेड की बात करता है। ट्रेड मीन्स क्या, क्वालिटीज की बात करता है। ये बोलता है कि लीडर की सर्टेन क्वालिटीज होती है, अगर वो किसी पर्सन में तो वो लीडर है, वो लीडर बन सकता है, ये ट्रेड थ्योरी बोलती है। ग्रेट मैन थ्योरी किस पे बेस्ड थी? ग्रेट मैन थ्योरी बेस्ड थी जो पुराने हमारे ग्रेट मैन थे हिस्ट्री में जो रह चुके हैं लीडर्स, उन पे बेस थी। ये थ्योरी बोलती थी कि लीडर्स जन्म ही लेते हैं लीडर बनने के लिए, ठीक है। उनकी जो क्वालिटीज़ होती है वो इनहेरिटेड होती है, विरासत उन्हें मिली होती है। फिर आता है बिहेवियरल थ्योरी। बिहेवियरल थ्योरी में हम क्या पढ़े थे, बिहेवियरल थ्योरी ये बोलता है कि जो लीडर होते हैं वो अपने बिहेवियर से बनते हैं, उनका बिहेवियर देख के हम बता सकते हैं कि वो लीडर हैं। अब सिचुएशनल थ्योरी, सिचुएशनल थ्योरी ना तो किसी ट्रेड, ना तो किसी क्वालिटीज, ना तो किसी बिहेवियर फोकस करता है। ये किस पे फोकस करता है? सिचुएशन पे फोकस करता है। ये बोलता है कि सिचुएशन लीडर किसी पर्सन को लीडर बनाती है। हमारे घर में अगर ऐसी सिचुएशन आ गई है कि हमें लीड करना पड़ेगा तो हम उस टाइम पे लीड करेंगे। सपोज करिए मेरे घर में शादी है, ठीक है, सब कुछ अरेंजमेंट करना है, कोई दिख नहीं रहा अरेंज करने के लिए, तो मैं बन गई लीडर। अब मैं सबको ऑर्डर दूंगी, सबके साथ मिलके काम करूंगी कि आप ये कर लो, आप ये ले लो, आप ये लेते आओ, ये कर लो आप। तो यहाँ पे लीडर का रोल कौन प्ले कर रहा है? मैं प्ले कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि ऐसी सिचुएशन आ गई है, मुझे लीडर बनना पड़ेगा, ठीक है। तो सिचुएशनल फैक्टर, सिचुएशनल थ्योरी ये बोलती है कि लीडर सिचुएशन से बनते हैं, ठीक है। जैसा सिचुएशन होगा वैसा लीडर, लीडर को सिचुएशन, लीडर को किसी पर्सन को लीडर बनाने में सिचुएशन का बहुत बड़ा रोल होता है। ये देखते हैं सिचुएशनल थ्योरीज बिलीव, सिचुएशनल थ्योरी ये बिलीव करती है दैट लीडरशिप इज ग्रेटली अफेक्टेड बाय सिचुएशन, कि लीडरशिप सिचुएशन से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होती है। द सिचुएशनल थ्योरी डू नॉट एम्फेसाइज ऑन पर्सनल क्वालिटीज, ये किसी पर्सनल क्वालिटीज ट्रेड्स ऑफ लीडर्स पे कोई एम्फेसाइज नहीं करती, बट अपॉन द सिचुएशन, ये किस पे एम्फेसाइज करती है, सिचुएशन पे इन विच ही ऑपरेट्स, जहाँ जिस सिचुएशन में वो ऑपरेट कर रहा है, लीडर ऑपरेट कर रहा है वो सिचुएशन, उस सिचुएशन पे सिचुएशनल थ्योरी एम्फेसाइज करती है। अ गुड लीडर इज वन, गुड लीडर वो होता है हु मोल्ड्स हिमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ गिवन सिचुएशन। अच्छा लीडर वो होता है जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को मोल्ड कर लेता है, खुद को सिचुएशन में ढाल लेता है। सिचुएशनल थ्योरीज आर ऑल्सो नोन एज कंटिंजेंसी थ्योरी। सिचुएशनल थ्योरी को और क्या बोला जाता है? सिचुएशनल थ्योरी को कंटिंजेंसी थ्योरीज ऑफ लीडरशिप भी बोला जाता है। कंटिंजेंसी थ्योरीज इज जनरल थ्योरीज विच सेज दैट देयर इज नो सिंगल बेस्ट वे टू स्ट्रक्चर योर ऑर्गेनाइजेशन। कंटिंजेंसी थ्योरी ये बोलता है कि कोई एक सिंगल वे नहीं है
किसी ऑर्गेनाइजेशन में टीम को लीड करने का, जैसा सिचुएशन होगा वैसा लीडरशिप का स्टाइल होगा। कोई एक सिंगल वे नहीं होता, कोई एक सिंगल स्टाइल नहीं होता जो हर सिचुएशन में हम अप्लाई कर सकें, ऐसा बोलता है सिचुएशनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप। द बेस्ट वे टू डू दिस विल बी कंटिंजेंट ऑन द सिचुएशन। सो कंटिंजेंसी थ्योरी इज एग्जामिन हाउ बेस्ट टू रन योर टीम और ऑर्गेनाइजेशन गिवन डिफरेंट सिचुएशन। सिचुएशनल थ्योरी क्या एग्जामिन करती है कि कितने अच्छे तरीके से बिजनेस को, ऑर्गेनाइजेशन को रन कराया जा सकता है डिफरेंट सिचुएशंस में। अगर सिचुएशन डिफरेंट है तो जाहिर सी बात है लीडरशिप स्टाइल भी डिफरेंट होगा। एक ही लीडरशिप स्टाइल हर सिचुएशन में गुड नहीं हो सकता। तो आइए हम पढ़ते हैं सिचुएशनल थ्योरीज कौन कौन सी हैं। आज के क्लास में मैं डिस्कस करूंगी फेडलर्स कंटिंजेंसी मॉडल, फेडलर्स कंटिंजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप क्या है। देखिए फेडलर्स कंटिंजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप, फेडलर्स कंटिंजेंसी थ्योरी फेडलर ने दी थी, फ्रेड फेडलर ने, लिख लीजिएगा। देखिए फेडलर्स कंटिंजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप स्टेट्स क्या बताती है, दैट योर इफेक्टिवनेस एज अ लीडर इज डिटरमाइंड बाई हाउ वेल योर लीडरशिप स्टाइल मैचेस द सिचुएशन। आपका इफेक्टिवनेस एज अ लीडर आप तभी इफेक्टिव होंगे जब आपके लीडरशिप स्टाइल मैच करेगी सिचुएशन से। जैसे मेरी लीडरशिप स्टाइल है रिलेशन ओरिएंटेड, क्या रिलेशन ओरिएंटेड, मैं रिलेशन बनाने पे ज़्यादा विश्वास रखती हूँ। तो ऐसा सिचुएशन भी होना चाहिए जो मेरा जो लीडरशिप स्टाइल है रिलेशन ओरिएंटेड उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इस समय टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल की ज़रूरत है और जो मेरा लीडर है वो रिलेशन ओरिएंटेड लीडर है, उसका स्टाइल रिलेशन ओरिएंटेड है। एक चीज और, जो फेडलर्स कंटिंजेंसी थ्योरी है उसमें फेडलर बोलते हैं कि लीडरशिप स्टाइल फिक्स्ड होती है। किसी पर्सन का अगर टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल है तो हम उसे चेंज नहीं कर सकते, वो टास्क ओरिएंटेड ही रहेगा। हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीडर जरूर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर सिचुएशन रिलेशन मांग रहा है, रिलेशन ओरिएंटेड लीडर मांग रहा है, तो हमें इस लीडर को हटा के हमें रिलेशन ओरिएंटेड वाले को लेके आना होगा, ऐसा बोलते हैं फेडलर्स कंटिंजेंसी मॉडल थ्योरी बोलती है कि जो लीडरशिप स्टाइल है वो फिक्स्ड है। और यहाँ पे क्या बोली कि लीडर तभी इफेक्टिव होगा जब उसका लीडरशिप स्टाइल मैच करेगा सिचुएशन से। जब टास्क की जरूरत है, टास्क ओरिएंटेड लीडर की जरूरत है, इस समय ऐसी सिचुएशन है कंपनी में कि कंपनी को टास्क पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है रैदर देन रिलेशनशिप, तो उस समय ऐसे लीडर की जरूरत होगी जो टास्क ओरिएंटेड हो, रिलेशनशिप ओरिएंटेड ना हो, ठीक है। देखिए यू कैन नॉट चेंज योर स्टाइल, आप अपना स्टाइल चेंज नहीं कर सकते टू सूट द सिचुएशन, जो आपके सिचुएशन को सही हो, सिचुएशन के लिए सही हो उस स्टाइल में आप नहीं आ सकते क्योंकि आपका लीडरशिप स्टाइल क्या है, फिक्स्ड है, ऐसा फेडलर बोलते हैं। इनस्टेड यू मस्ट पुट लीडर्स इनटू सिचुएशन दैट मैच देयर स्टाइल। इसके जगह पर आप वो लीडर को रखें, वो लीडर चूज करें जो आपके सिचुएशन को मैच कर रहा हो, जिसका लीडरशिप स्टाइल आपके सिचुएशन को मैच कर रहा हो, आप उस लीडर को चूज करिए, ठीक है। ये बोलता है फेडलर कंटिंजेंसी मॉडल। देखिए देर आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स इन फेडलर्स कंटिंजेंसी थ्योरी। फेडलर के कंटिंजेंसी थ्योरी में दो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्या, पहला लीडरशिप स्टाइल, दूसरा सिचुएशनल फेवरेबलनेस। सिचुएशनल सिचुएशन हमारा कितना फेवरेबल है और हमारा लीडरशिप स्टाइल क्या है, यही दो फैक्टर होते हैं कंटिंजेंसी थ्योरी में। हमारा लीडरशिप स्टाइल डिपेंड करेगा हमारे सिचुएशन पे कि हमारा सिचुएशन कितना फेवरेबल है, ठीक है, उस पे डिपेंड करेगा कि हमारा लीडरशिप स्टाइल क्या होगा। तो इसमें इम्पोर्टेंट दो ही फैक्टर हैं, क्या, एक लीडरशिप स्टाइल, एक सिचुएशनल फेवरेबलनेस। देखिए लीडरशिप स्टाइल कैसे डिटरमाइन करेंगे हम, द फर्स्ट स्टेप इन यूजिंग द मॉडल, इस मॉडल को यूज करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, टू डिटरमाइन योर नेचुरल लीडरशिप स्टाइल, कि लीडरशिप स्टाइल को डिटरमाइन करना
क्या है लीडरशिप स्टाइल किसी लीडर का? अगर हम किसी लीडर को लेकर आ रहे हैं तो उसका लीडरशिप स्टाइल क्या है, या हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो लीडर लीड कर रहा है उसका लीडरशिप स्टाइल क्या है हमें देखना है, तो हम कैसे कैसे देखेंगे? उसके लिए फेडलर ने एक स्केल डेवलप किया जिसे हम क्या बोलते हैं, लीस्ट प्रिफर्ड कोवर्कर स्केल। लीस्ट प्रिफर्ड कोवर्कर स्केल डेवलप किया फेडलर ने, जिसके थ्रू हम किसी के लीडरशिप स्टाइल को जान सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। द लीस्ट प्रिफर्ड कोवर्कर स्केल रिक्वायर, देखिए लीस्ट प्रिफर्ड कोवर्कर का मतलब क्या है, लीस्ट लीस्ट प्रिफर कोवर्कर। इस स्केल के थ्रू लीडर क्या करता है, लीडर अपना लीडरशिप स्टाइल पहचानने के लिए रेटिंग करता है, रेट्स देता है। किसको रेट्स देता है? उन कोवर्कर को जिनके साथ वो काम करना कम पसंद करता है, जो वो लीस्ट प्रिफर करता है जिनके साथ काम करना, उनको वो रेटिंग देता है लीस्ट प्रिफर्ड कोवर्कर स्केल में। देखिए लीस्ट प्रिफर्ड कोवर्कर स्केल रिक्वायर्स अ पर्सन, लीस्ट प्रिफर्ड कोवर्कर स्केल को जरूरत होती है एक ऐसे पर्सन की जो रेटिंग दे किसको, द वन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल को दे वुड लीस्ट वांट टू वर्क विथ, जिनके साथ वो कम काम करना पसंद करता है, कम काम करना प्रेफर करता है, उनको वो रेटिंग दे। यहाँ पे दो इंडिविजुअल चाहिए, एक इंडिविजुअल जो रेटिंग दे और दूसरा इंडिविजुअल जिसको रेटिंग देना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला पर्सन क्या करेगा, रेट देगा इस स्केल पे, रेट देगा किसको, उस इंडिविजुअल को जिसके साथ वो कम काम करना पसंद करता है, द लीस्ट प्रिफर्ड कोवर्कर, जिसे हम क्या बोलते हैं, लीस्ट प्रिफर्ड कोवर्कर। लीस्ट प्रिफर्ड नाम से ही पता चले, लीस्ट प्रिफर, जिसे हम कम प्रिफर करते हैं काम करना जिनके साथ। अलॉन्ग द स्केल, इस स्केल में क्या होते हैं, 18 to 25 बाईपोलर एडजेक्टिव्स होते हैं। बाईपोलर मतलब दो एडजेक्टिव होते हैं, दो अपोजिट, जैसे फ्रेंडली अनफ्रेंडली, गुड बैड, काइंड अनकाइंड, ऐसे करके 18 से 25 एडजेक्टिव होंगे जिनमें 1 to 8 रेट्स ये होंगे जिनमें हमें रेटिंग देना है। जैसे फ्रेंडली है, अनफ्रेंडली है, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक है, इसमें हमें रेटिंग देनी है। हम किसके साथ कम काम करना पसंद करेंगे, अनफ्रेंडली वाले के साथ कम काम करना पसंद करेंगे, तो हम इसको क्या रेट दे दिए, 1 रेट दे दिए। 8 है अगर फ्रेंडली के लिए और 1 है अगर अनफ्रेंडली के लिए। चलिए अभी इसको आगे समझते हैं, आगे पिक्चर के थ्रू समझेंगे। इधर देखिए, ये देखिए, जैसे यहाँ पे प्लीजेंट है, अनप्लीजेंट है, ऐसे करके 18 to 25 एडजेक्टिव्स दिए होंगे बाइपोलर, इसलिए क्योंकि दो ऑपोजिट्स हैं, दो वर्ड्स दिए हैं और दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। जैसे प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट, तो हम किसके साथ कम काम करना पसंद करेंगे, जो अनप्लीजेंट है, जो खुश नहीं रहते हैं, उनके साथ कम काम करना पसंद करेंगे, तो हम किसको, इनको रेट क्या रेट दिए, 1। अब एक्सेप्टिंग एंड रिजेक्टिंग में हम क्या रेट दिए, 6 रेट दिए, देखिए 6 रेटिंग दिए। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि जो बहुत ज़्यादा रिजेक्ट करते हैं काम को, उनके साथ हम काम नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत रिजेक्टिंग चलेगा, इसलिए हम इनको 6 दिए, ठीक है। टेंस एंड रिलैक्स में हम बीच का दिए, क्योंकि थोड़ा टेंस और थोड़ा रिलैक्स होना भी ज़रूरी है, तो ऐसे करके रेटिंग दी जाती है। आइए पहले इधर देखते हैं, हाँ देखिए, तो कहाँ थे हम, 18 to 25 बाइपोलर एडजेक्टिव होंगे विद रेटिंग फ्रॉम 1 to 8, जो 1 to 8 के बीच में हमें रेटिंग जिनको देनी होगी। द एलपीसी स्कोर इज देन कंप्यूटेड बाय टोटलिंग ऑल द रेटिंग, उसके बाद रेट देने के बाद हम क्या करेंगे, उस सारे रेट को टोटल करेंगे। देखिए यहाँ पे जो भी हम रेटिंग दिए हैं सब में, फिर उसके बाद हम जो जो सर्कल किए हैं, जो जो रेट दिए हैं हर सेक्शन में, उसको फिर हम टोटल करते हैं, टोटल करेंगे सबको। दिस स्केल गिव्स सब्जेक्टिव व्यू, ये क्या देता है, सब्जेक्टिव व्यू देता है। हर लीडर का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा, हो सकता है जिसके साथ हम काम करना नहीं पसंद करते, आप उसके साथ काम करना पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये एक सब्जेक्टिव व्यू पॉइंट है, और जो चीज सब्जेक्टिव पे बेस होती है वो रिलायबल नहीं मानी जाती है, बायसनेस आ जाती है। तो इस थ्योरी में भी बोला गया है कि जो ये थ्योरी है वो रिलायबल रिजल्ट नहीं देती है, हो सकता है। चलिए अभी आगे देखते हैं, टू स्कोर योर सेल्फ, खुद को स्कोर देने के लिए
ऑन दिस स्केल यू हैव टू डिस्क्राइब द कोवर्कर, इसमें क्या करेंगे उस कोवर्कर को डिस्क्राइब करते हैं विथ हुम यू लीस्ट प्रिफर टू वर्क, जिनके साथ हम कम काम करना पसंद करते हैं. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दोज पीपल यू लीस्ट प्रिफर वर्किंग विद देम. चलिए आइए देखते हैं. ये देखिए, इतना समझ में आया कि कैसे हम स्केल का यूज करेंगे, क्यों यूज करेंगे. ठीक है, अब ये देखिए, वेल अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द मोर फेवरेबली यू रेटेड द पर्सन यू लीस्ट प्रिफर टू वर्क विद द मोर रिलेशनशिप ओरिएंटेड यू आर. ये बोल रहा है कि एज अ लीडर आप रेटिंग दें, ठीक है, और अगर आपकी रेटिंग हाई हुई, अगर हम पूरा रेटिंग जो आप रेट दिए हैं सारे सेक्शन में सारे एडजेक्टिव्स में अगर हम उसको टोटल कर दें, तो टोटल करने के बाद अगर आपका हाई रेट आ रहा है, टोटल हाई आ रहा है, हाई रेटिंग्स आप दिए हैं, तो हम आपको क्या बोलेंगे कि आप रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर हैं. क्या है? रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर हैं. और अगर लेस फेवरेबली है, मतलब अगर आपका जो आप रेट दिए हैं टोटल करने के बाद लो है, इसका मतलब आप क्या है, आप टास्क ओरिएंटेड लीडर हैं. ठीक है, ऐसा इस थ्योरी के अकॉर्डिंग है, ये थ्योरी ऐसा बोलता है. देखिए, हाई एलपीसी, अगर हाई लीस्ट प्रिफर्ड को वर्कर में आपकी रेटिंग आई है तो आप रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर माने जाएंगे, और अगर लो आई है तो आप टास्क ओरिएंटेड लीडर माने जाएंगे. टास्क ओरिएंटेड लीडर क्या करते हैं, टेंड टू गुड एट ऑर्गेनाइजिंग, वो ऑर्गेनाइजिंग, टीम ऑर्गेनाइजेशन में, प्रोजेक्ट्स में, और गेटिंग थिंग्स डन, और काम अच्छे से करने में, करवाने में वो अच्छे होते हैं. जबकि रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर किस में अच्छे होते हैं, टेंड टू गुड एट बिल्डिंग गुड रिलेशनशिप, ये गुड रिलेशनशिप बनाने में अच्छे होते हैं, मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स टू गेट थिंग्स डन, और कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करके, कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज करके वर्क डन कराते हैं. तो ये रिलेशनशिप ओरिएंटेड इसमें अच्छे होते हैं, रिलेशनशिप बनाने में और कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस करके काम को कराने में. तो ये था लीस्ट प्रिफर्ड कोवर्कर स्केल क्या था और हम क्यों यूज करते थे. ठीक है, फेडलर कंटिंजेंसी मॉडल में ये बोला जाता है कि अगर हाई लीस्ट प्रिफर्ड कोवर्कर में आपका रेटिंग आई तो आप क्या माने जाएंगे, रिलेशनशिप ओरिएंटेड, अगर लो आएगा तो आप टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप माने जाएंगे. देखिए कैसे रेटिंग दी जाती है, इसमें प्लीजेंट है, अनप्लीजेंट है, फ्रेंडली है, अनफ्रेंडली है, तो जिनके साथ हम काम करना कम पसंद करते हैं उन्हें हमें रेटिंग देनी है. जैसे हम अनफ्रेंडली के साथ एकदम ही काम करना पसंद नहीं करते तो हम उनको 1 रेटिंग दें. अब एक्सेप्टिंग एंड रिजेक्टिंग में ठीक है काम कर लेंगे हम, लेकिन जो रिजेक्ट करते हैं उनको हम 6 दिए, इन दोनों के मिडल से थोड़ा सा इधर. अब देखिए, कोल्ड एंड वार्म, हम बहुत ज़्यादा जो कूल रहते हैं उनके साथ काम करना नहीं पसंद करते, थोड़ा कूल चलेगा, अगर ये यहाँ पे तो हम काम कर लेंगे, लेकिन इनके साथ हम एकदम भी काम करना पसंद नहीं करते. ठीक है, अब बोरिंग है और इंटरेस्टिंग है, तो जो बोरिंग है उनके साथ तो हम एकदम भी काम नहीं कर सकते. तो ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से डिपेंड करता है, अगर मैं इस पर रेटिंग दूंगी तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से दूंगी, आप देंगे तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से रेटिंग लेंगे. ठीक है, इसलिए सब्जेक्टिव व्यू पॉइंट है. ठीक है, ये सब लीडर का अलग अलग होगा. अब देखिए, यहाँ पे पूरा टोटल करने के बाद जो ये सर्कल हुआ है उसको टोटल करने के बाद 85 आ रहा है, इसका मतलब हाई है, ये 85 क्या हाई है, इसका मतलब मैं क्या हूँ, मैं रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर हूँ. क्या हूँ मैं, रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर. अगर ये लो आया होता, 50 या 50 से कम आया होता, तो मैं क्या बोलती कि मैं टास्क ओरिएंटेड लीडर हूँ. क्या हूँ, टास्क ओरिएंटेड लीडर. लेकिन ये रिलायबल इसलिए भी नहीं माना जाता है क्योंकि देखिए, हो सकता है कि मैं रिलेशन भी मेंटेन करना चाहती हूँ और टास्क पे भी फोकस करना जानती हूँ, मैं ये दोनों ही जानती हूँ, फिर भी ये मुझे या तो टास्क ओरिएंटेड लीडर बनाएगा या तो रिलेशन ओरिएंटेड लीडर बनेगा, ये इन दोनों के बीच में मुझे नहीं मान सकता. इस स्केल के अकॉर्डिंग ये या तो टास्क ओरिएंटेड लीडर बोलेगा हमें या तो रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर बोलेगा, जबकि मैं ये जानती हूँ कि मैं टास्क भी अच्छे से मैनेज कर सकती हूँ और रिलेशनशिप भी मेंटेन करके रख सकती हूँ. लेकिन ये इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये व्यू पॉइंट नहीं देता है, ये व्यू पॉइंट रखता ही नहीं, ये सिर्फ या तो टास्क या तो रिलेशन, तो इस हिसाब से ये रिलायबल नहीं है, नहीं माना जाता है रिलायबल. ये हम पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं कुछ रिसर्चर का और कुछ अपना, और थ्योरी समझा रहे हैं, तो कहीं डाउट हो तो बताइए. फिर आते हैं हम, ये था
आपका लीडरशिप स्टाइल, कि कैसे हम लीस्ट प्रिफर्ड कोवर्कर स्केल का यूज करके लीडरशिप स्टाइल डिटरमाइन करेंगे कि जो लीडर है वो टास्क ओरिएंटेड है या रिलेशनशिप ओरिएंटेड। ठीक है, तो उसके बाद सेकेंड क्या था, दो फैक्टर थे, दो फैक्टर इस थ्योरी में हम पढ़ने वाले थे क्या, पहला था लीडरशिप स्टाइल जो हम पढ़ चुके हैं, दूसरा था सिचुएशनल फेवर फेवरेबलनेस, सिचुएशन कितना फेवरेबल है ये हम पढ़ेंगे, सिचुएशनल फेवरेबलनेस। आइए देखते हैं, द नेक्स्ट स्टेप टू अंडरस्टैंड द फेवरेबलनेस ऑफ अ सिचुएशन यू फेस, कि जो सिचुएशन हम फेस कर रहे हैं वो कितना फेवरेबल है, दिस इज डिटरमाइंड बाय हाउ मच कंट्रोल ओवर द सिचुएशन, ये डिटरमाइंड करता है कि कितना कंट्रोल है हमारा सिचुएशन पे, यू हैव एज अ लीडर सिचुएशनल कंट्रोल। ठीक है, इसके थ्रू हम देखेंगे कि सिचुएशन पे हमारा कितना कंट्रोल है। डिटरमाइनिंग सिचुएशनल फेवरेबलनेस इज डन बाय एग्जामिन द फॉलोइंग थ्री फैक्टर्स, फॉलोइंग थ्री फैक्टर्स के थ्रू हम जानेंगे कि सिचुएशन कितना फेवरेबल है, सिचुएशन फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, इन फैक्टर्स के थ्रू हम जानेंगे। देखिए तीन फैक्टर हैं, ये तीन फैक्टर डिटरमाइन करते हैं कि सिचुएशन हमारा कितना फेवरेबल है और अनफेवरेबल है। पहला है लीडर मेंबर रिलेशंस, अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लीडर और मेंबर का रिलेशन अच्छा है तो हम क्या बोलेंगे, सिचुएशन क्या है, फेवरेबल है, सिचुएशन क्या है, फेवरेबल है। लेकिन अगर लीडर और मेंबर के बीच में रिलेशन ही अच्छा नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, सिचुएशन अनफेवरेबल है। देखिए दिस फैक्टर मेजर्स हाउ मच योर टीम ट्रस्ट यू, कि आपके टीम के जो मेंबर हैं वो कितना आप पे भरोसा करते हैं, ग्रेटर ट्रस्ट, अगर ग्रेटर ट्रस्ट है, ज्यादा ट्रस्ट है तो ये इंक्रीज करेगा फेवरेबलनेस, तो ये आपका फेवरेबलनेस इंक्रीज करेगा ऑफ द सिचुएशन, सिचुएशन का, और अगर लेस ट्रस्ट है तो ये रिड्यूस करेगा सिचुएशन फेवरेबलनेस को। अगर ट्रस्ट ज्यादा है तो सिचुएशन फेवरेबल मानी जाएगी, अगर ट्रस्ट कम है तो वो हमारे फेवरेबलनेस को कम कर देगा, सिचुएशन अनफेवरेबल मानी जाएगी। जाहिर सी बात है अगर ऑर्गेनाइजेशन में लीडर और मेंबर के बीच में ट्रस्ट ही नहीं है, लीडर और मेंबर के बीच में रिलेशन ही अच्छा नहीं है, तो क्या वो लीडरशिप स्टाइल हमारी कंपनी के अकॉर्डिंग ठीक है, नहीं ठीक है। फिर देखिए टास्क स्ट्रक्चर, टास्क स्ट्रक्चर कैसे डिटरमाइन करेगा सिचुएशन सिचुएशनल फेवरेबलनेस को, दिस फैक्टर मेजर्स, ये फैक्टर मेजर करता है द टास्क दैट नीड्स टू बी परफॉर्म, कि जो टास्क परफॉर्म करना है आर दे क्लियर एंड प्रिसाइज और वेग, कि जो टास्क है, जो टास्क परफॉर्म करना है वो क्लियरली डिफाइंड है कि नहीं हमारे मेंबर्स को, हमारे सबॉर्डिनेट्स को, ठीक है, अगर क्लियरली डिफाइंड है, प्रिसाइज है, इसका मतलब सिचुएशन क्या है, फेवरेबल है। लेकिन अगर वो वेग है, अगर अस्पष्ट है, अगर सही से डिफाइंड ही नहीं है कि किस सबॉर्डिनेट को क्या काम करना है, तो सिचुएशन क्या मानी जाएगी, अनफेवरेबल, ये सिचुएशन सिचुएशनल फेवरेबलनेस को रिड्यूस कर देगा, क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा अगर हमारा टास्क ही अच्छे से डिफाइंड नहीं होगा। वेग टास्क डिक्रीज द फेवरेबलनेस ऑफ द सिचुएशन एंड कंक्रीट एंड क्रिएट क्लियर टास्क इंक्रीज इट, अगर टास्क क्लियर है, टास्क स्ट्रक्चर क्लियरली डिफाइंड है तो वो इंक्रीज करेगा फेवरेबलनेस को, अगर टास्क स्ट्रक्चर डिफाइंड ही नहीं है, वेग है और स्पष्ट है तो वो हमारे फेवरेबलनेस को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। अगर टास्क स्ट्रक्चर डिफाइंड है, क्लियर है, तो जाहिर सी बात है हमारा सबऑर्डिनेट अच्छे से काम करेगा, अगर टास्क ही डिफाइन नहीं होते तो वो कहाँ से अच्छे से काम करेगा, सिचुएशन ही नहीं अच्छी है, अनफेवरेबल है। फिर देखिए पोजीशन पावर कैसे डिफाइन करेगा हमारे सिचुएशन को, दिस इज डिटरमाइंड बाय योर अथॉरिटी, ये डिटरमाइंड किसके थ्रू होती है, अथॉरिटी, पोजीशन पावर, पोजीशन पावर क्या बताती है, अथॉरिटी, मीनिंग द पावर यू हैव टू रिवॉर्ड और पनिश योर सबॉर्डिनेट्स, ये बोलता है कि हमारे लीडर के पास कितनी पावर है सबॉर्डिनेट्स को कंट्रोल करने का, उनके पास कितनी अथॉरिटी है सबॉर्डिनेट्स को कंट्रोल करने का, उन्हें रिवॉर्ड देने का, उन्हें पनिश करने का, अगर अगर लीडर के पास ये अथॉरिटी है इसका मतलब सिचुएशन फेवरेबल है, अगर लीडर के पास ये अथॉरिटी ही नहीं है, लीडर रिवॉर्ड नहीं दे सकता, पनिश नहीं कर सकता, अपने सबॉर्डिनेट्स को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो सिचुएशन क्या है, अनफेवरेबल है।
ठीक है, ये क्या बताती है हमें, पोजीशन पावर। पोजीशन पावर के थ्रू भी हम सिचुएशन फेवरेबलनेस को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो तीन ही फैक्टर है सिचुएशन सिचुएशनल फेवरेबलनेस को डिफाइन करने के, तीन फैक्टर हैं। कौन कौन से? एक लीडर मेंबर रिलेशनशिप, अगर उन दोनों के बीच में, लीडर और मेंबर के बीच में रिलेशनशिप अच्छा है, इसका मतलब सिचुएशन क्या है, फेवरेबल है। अगर रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, इसका मतलब अनफेवरेबल सिचुएशन है। टास्क स्ट्रक्चर, अगर टास्क अच्छे से डिफाइंड नहीं है, क्लियरली नहीं डिफाइंड है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सिचुएशन अनफेवरेबल। अगर क्लियरली डिफाइंड है तो सिचुएशन क्या है, फेवरेबल है। पोजीशन पावर, अगर लीडर के पास अथॉरिटी अच्छी है, अच्छी खासी अथॉरिटी है, रिवॉर्ड और पनिश कर सकता है लीडर मेंबर्स को, तो वो क्या है, सिचुएशन फेवरेबल है। अगर ऐसा नहीं है तो सिचुएशन अनफेवरेबल मानी जाएगी। तो ये तीन फैक्टर के थ्रू हम सिचुएशनल फेवरेबलनेस को डिटरमाइन करेंगे। अब देखिए, अब लास्ट है कैसे हम ये मॉडल को यूज कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप हम क्या डिटरमाइन करेंगे, आइडेंटिफाई योर लीडरशिप स्टाइल। एलपीसी स्केल का यूज करके हम लीडरशिप स्टाइल को डिटरमाइन करेंगे। ये एलपीसी स्केल, लीस्ट प्रिफर्ड को वर्कर स्केल का यूज करके हम डिटरमाइन करेंगे कि जो हमारा लीडर है वो रिलेशनशिप ओरिएंटेड है या टास्क ओरिएंटेड है। ठीक है, इसको डिटरमाइन करने के बाद ये देखिए, अगर 73 या उससे अबव आ रहा है तो लीडर क्या माना जाएगा, टास्क ओरिएंटेड। अगर 54 या उससे बिलो आ रहा है तो लीडर क्या माना जाएगा, टास्क ओरिएंटेड। अगर इन दोनों के बीच में आ रहा है, इन दोनों का मिक्सचर है, ठीक है, मिक्सचर ऑफ बोथ, एंड इट्स अप टू योर डिटरमाइन विच स्टाइल सूट्स योर यू द बेस्ट। देखिए, फिर उसके बाद सेकेंड है अंडरस्टैंड योर सिचुएशन। उसके बाद जब हमें पता चल गया कि हम हमारा लीडरशिप स्टाइल कैसा है, तो उसके बाद हम सिचुएशन डिटरमाइन करेंगे किसके थ्रू, मेंबर लीडर मेंबर रिलेशनशिप के थ्रू, टास्क स्ट्रक्चर के थ्रू, एंड पोजीशन पावर के थ्रू। इसमें 1 to 10 स्कोर होता है, 10 होता है हाईएस्ट और 1 होता है लो के लिए। देखिए, फाइंड द राइट लीडरशिप स्टाइल। अब इस ग्राफ के थ्रू हम डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा लीडरशिप स्टाइल हमारे लिए अच्छा होगा। देखिए, अगर हमारे कंपनी में तीनों ही हाई है, तीनों ही फेवरेबल सिचुएशन है, लीडर मेंबर रिलेशनशिप भी अच्छा है, टास्क स्ट्रक्चर भी अच्छा है, पोजीशन पावर भी अच्छी है, तो हम किसको प्रेफर करेंगे, लो एलपीसी। लो एलपीसी किस पे फोकस करता है, टास्क ओरिएंटेड लीडर पे। तो हमारा लीडर क्या होगा, टास्क ओरिएंटेड सिचुएशन होना चाहिए। अगर तीनों ही लो है तो उस कंडीशन में भी क्या होना चाहिए, उस कंडीशन में भी टास्क ओरिएंटेड लीडर चाहिए। अगर मिडिल में है तो मिडिल में कौन सा अच्छा होता है, मिडिल में रिलेशन ओरिएंटेड लीडर अच्छा होता है। ठीक है, देखिए, अगर अगर हाईली फेवरेबल सिचुएशन है, हाईली अनफेवरेबल सिचुएशन है, तो उसमें कौन सा लीडर अच्छा होगा, टास्क ओरिएंटेड मोस्ट इफेक्टिव होगा। अगर मिडिल में है तो उस सिचुएशन में कौन सा अच्छा होगा, रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर मोस्ट इफेक्टिव होगा। ठीक है, ये देखिए एक एग्जाम्पल दिए हम, पिज्जा हट रेस्टोरेंट मैनेजर। इन दिस एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू इमेजिन, हम इमेजिन करने जा रहे हैं क्या, दैट यू हैव बीन न्यूली अपॉइंटेड द मैनेजर ऑफ अ पिज्जा हट रेस्टोरेंट। कि आप एक कंपनी, ये पिज्जा हट के रेस्टोरेंट है, उसमें आप मैनेजर अभी अभी नए नए अपॉइंट हुए। इन दिस सिनारियो वी माइट एक्सपेक्ट, इस सिनारियो में हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि फॉलोइंग सिचुएशनल फैक्टर हम एक्सपेक्ट किए हैं क्या, ट्रस्ट क्या होगा, लो होगा, जाहिर सी बात है, अभी हम अपॉइंट हुए हैं तो हमारे बीच और लीडर जो हमारे फॉलोअर्स हैं, जो मेंबर्स हैं टीम के, उनके बीच क्या होगा, ट्रस्ट कम होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि लीडर मेंबर रिलेशनशिप लो होगा। टास्क स्ट्रक्चर हाई है, क्योंकि क्लियर पहले से ही डिफाइंड है टास्क की किसको क्या करना है। तो ये टास्क स्ट्रक्चर क्या है, फेवरेबल है, ये हाई है टास्क स्ट्रक्चर। पोजीशन पावर भी हाई है, क्योंकि जो मैनेजर अपॉइंट हुआ है उसके पास पावर है अपने मेंबर्स को कंट्रोल करने का, रिवॉर्ड करने का, पनिश करने का, उनके जो फॉलोअर्स हैं, तो ये भी क्या है, हाई है। तो देखिए, लीडर मेंबर क्या है, लीडर मेंबर रिलेशनशिप लो है, और टास्क स्ट्रक्चर हाई है, पोजीशन पावर भी हाई है, तो उस केस में क्या चूज हो रहा है, उस केस में रिलेशनशिप ओरिएंटेड। ये देखिए येलो वाला क्या है, हाई एलपीसी, हाई एलपीसी किसका है, रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर। तो यहाँ पे हमें कौन सा लीडर चाहिए, यहाँ पे हमें जो लीडरशिप सूट करेगा हमारे सिचुएशन को, वो रिलेशनशिप ओरिएंटेड होना चाहिए। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट फेडलर्स कंटिजेंसी मॉडल। इतना इनफ है थ्योरी समझने के लिए, बाकी तो हम पूरा ही समझा दिए हैं। अगर किसी भी पॉइंट में कहीं भी डाउट है
तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी आपके साथ नेक्स्ट थ्योरी के साथ। तो अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, सारे PDFs मैं वहीं शेयर करती हूँ एंड डेली क्विजेस भी कराती हूँ, शेयर करती हूँ, तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।